नमस्कार केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के राजधानी अंतर्गत रेस्टोरेंट में हवाई फायरिंग और विरोध करने पर संचालक को चाकू मारकर फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, घटना के वक्त आरोपियों ने रेस्टोरेंट में जमकर आतंक मचाया था, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया था, जिससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई और मुख्य आरोपी उसके साथी अभी भी फरार साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और एक फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी अनुसार पुलिस ने बताया कि आशीष सिंह ठाकुर ने बताया कि उसका हार्ट एंड नाम से चाइनीज रेस्टोरेंट है, जहां वे रेस्टोरेंट के वर्करों के साथ काम करता है। कल शाम को रोहित सोनकर और अभिषेक दुकान में आए और मंचूरियन राइस एवं डोसा का ऑर्डर किया। उसके भाई नरेंद्र ने कहा कि 10 मिनट लगेगा। इतना कहते ही अभिषेक गाली गलौज करने लगा और विरोध करने पर वहां से चला गया। बाद में अभिषेक अपने दोस्तों सावन सोनकर, सागर सोनकर, रोहित सोनकर, बाबू सोनकर एवं निहार सोनकर के साथ आया और रेस्टोरेंट के बाहर हवाई फायरिंग के विरोध करने पर सागर ने उसका चाकू से हमला किया और आरोपी भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर निहार सोनकर को अभिरक्षा में लिया था। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। घटना राजी थाने की है। सीओडी तिराए पे एक चाट की दुकान थी। कल लगभग 4:15 बजे उसमें कुछ लोग पहुंचे थे और चाट लाने में देरी होने की बात को लेकर के विवाद हुआ। उस पे से जो फरियादी थे चाट की दुकान वाले, उनकी ओर से 5 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें अभी 4 आरोपी को राउंडअप कर लिया गया। एक आरोपी अभी राउंडअप होना बाकी, शीघ्र ही हम उसको राउंडअप कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें किसकी गिरफ्तारी? इसमें अभी राउंडअप किया है साजन, सागर, बापू और निहाल करके 4 लोगों को हमने राउंडअप किया है। एक और अभी शेष है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।